नमस्कार, वीकली एग्री आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो काफी उतार चढ़ाव रहा, जहां हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर गिरावट बनते हुए देखी, वहीं मसालों में तेजी का रुख था, गवार में तेजी का रुख था और कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी तेजी का रुख बना हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर सोयाबीन की बात करें तो हमने प्राइजेस को 6520 का लेवल ओपन होते हुए देखा और वहां से ही हमने एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी प्राइजेस के अंदर, जो 6150 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, बट लोअर लेवल से वापस हमने जंप आते हुए देखा। अराइवल प्रेशर भी है और साथ में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमने पॉलिट्री इंडस्ट्री के लिए खराब न्यूज देखी है, बर्ड फ्लू, जिसके चलते डिमांड थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, जबकि विंटर्स के अंदर डिमांड बढ़ती है, जिसके चलते हमें लगता है कि सोयाबीन आगे तेजी रहेगा। बट अगर बर्ड फ्लू का कहर अगर इंडिया में बढ़ता है तो इसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव सोयाबीन पे पड़ सकता है। अराइवल प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बढ़ रहे हैं। टाइमिंग मार्केट में फ्रेश सेलिंग जरूर है, तो अगले हफ्ते के लिए मार्केट अगर 6400 के नीचे रहता है तो पॉसिबल है 6000 से 6100 का लेवल देख पाए, बट ज्यादा बड़ी गिरावट दिख नहीं रही। इंटरनेशनल मार्केट टाइट होने की वजह से जो रेंज रहेगा वो 6100 से 6600 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कैस्टर की बात करें, कैस्टर में भी हमने 3% की गिरावट आते हुए देखी, प्राइजेस में फ्रेश सेलिंग बनते हुए दिखाई दी। कहीं ना कहीं 6400 के नीचे प्राइजेस के अंदर दबाव बन रहा है, जिसमें से एक्सपोर्ट के डाटा थोड़े बहुत सपोर्टिव जरूर बट ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी डिमांड में, चाहे हम कैस्टर मिल की बात करें या कैस्टर ऑयल की बात करें, डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही। और जैसे कि हम जानते हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं अराइवल प्रेशर रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर दबाव बन सकता है, तो टेक्निकली थोड़ा भी अगर पुलबैक मिले बेच के चलिए, 6000 का लेवल तोड़ने पे 5850 तक का भी लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। वहीं रिफाइन और सीपीओ दोनों में हमने 3-3% की ऑलमोस्ट करीब की गिरावट आते हुए देखी है। टाइमिंग मार्केट ने बड़ी गिरावट के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर की, बट अभी भी लॉन्ग लिक्विडेशन और फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस में दबाव रह सकता है। टेक्निकली अगर हम देखें तो सीपीओ दिसंबर मंथ में आप ध्यान रखिए, अगर प्राइजेस 1185 के नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, जो नीचे में 1140-1135 तक का लेवल दिखा दे। वहीं रिफाइन सोया में ऑलरेडी हमने 1137 तक का लेवल बनते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं 1130 से लेकर 1190 का जो दायरा है इसी दायरे में ट्रेड करेंगे। अगले हफ्ते हो सकता है प्राइजेस लोअर लेवल पे सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दी। मसालों के अंदर सबसे बड़ी तेजी हमने हल्दी में आते हुए देखी, जिस ढंग से बताया जा रहा है 30-40% की क्रॉप खराब हो सकती है, बट इट इज टू हाई टू रिएक्ट एज ऑफ नाउ, बिकॉज जनवरी में जब अराइवल आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल कितना डैमेजेस है। बट उसको देखते हुए प्राइजेस में एक बड़ी तेजी हमने ऑलरेडी बनते हुए देख चुके हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा पुलबैक अगर मिले तो फिर से एंट्री बनती है, जो 9300-9400 तक का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे की अगर बात करें तो जीरा 16200-16300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नो डाउट एरिया अंडर कल्टीवेशन के अंदर जो ड्रॉप है जिसके चलते प्राइजेस में गेन है, बट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही, जिसके चलते हमें लगता है प्राइजेस एक रेंज में रहेगा। लॉन्ग टर्म जीरा काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो 20000 का भी लेवल दिखा दे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा पुलबैक जरूरी है। धनिया के अंदर भी 9000 से लेके 8400 का एक दायरा रहेगा, कोई भी पुलबैक अगर 8400 के करीब मिले वहां पे लेके चलिए, 9100 का लेवल तोड़ने पे हम नई तेजी देखेंगे। गवार सीड गवार गम में शानदार रिकवरी आई हार्मोनिक पैटर्न को देखते हुए और सीजनलिटी को देखते हुए, बट ध्यान रखिए हायर लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं करनी चाहिए, 6300-6400 का लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगले हफ्ते। गवार गम में भी 11900-11950 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं वो लेवल से वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। मेंथा मेक और ब्रेक सिचुएशन पे शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने 2.25% की तेजी बनते हुए देखी है मेंथा के अंदर। ध्यान रखिए अगर 990-995 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाता है अगला हफ्ता तो एक शानदार तेजी मिलेगी, क्योंकि विंटर इस बार काफी स्ट्रांग रहनी है, जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल सकता है, जो 990 के लेवल पे अगर होल्ड कर जाए तो हम ऊपर में 1040-1050 तक का भी लेवल जल्द देख पाएंगे। वहीं अंत में अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉटन के अंदर हमने लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी है, विंटर डिमांड और साथ में डैमेजेस के चलते हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन देखा। अराइवल में प्रेशर रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक था, बट ओवरऑल हमें लगता है 3100 से लेकर 3350 का एक दायरा रहेगा, बाय ऑन डिप रखिए। वहीं लास्ट में कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हम एक शानदार तेजी देख चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग मिले तो लेके चलना है, 3100 का लेवल जनवरी मिड तक देखने मिल जाएगा। ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स और मसाले 2022 के लिए काफी शानदार कमोडिटी रहनी है, जबकि गवार सीड गवार गम में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।